नमस्कार दोस्तों, किड्स टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूँ रजनी सिंह। बच्चों के लिए हमारा खास कार्यक्रम है जो बच्चों से जुड़े विषय रोचक ढंग तक आप बच्चों तक पहुंचाता है। आज का विषय भी बेहद दिलचस्प है। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। विज्ञान हमारे जीवन के हर हिस्से में है। हमारा शरीर, ये प्रकृति, धरती, आसमान, सभी कुछ विज्ञान के नियमों का पालन करते हैं। यानी सृष्टि की हर घटना विज्ञान के आधार पर आगे बढ़ती है। तो आज किड्स टाइम में भी आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बच्चों में वैज्ञानिक सोच को कैसे बढ़ावा दें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, जो बताएंगे कि क्यों बच्चों के भीतर वैज्ञानिक सोच को विकसित करना ज़रूरी है, उन्हें विज्ञान से जोड़ना ज़रूरी है। साथ ही हम आपसे कुछ रोचक सवाल भी आज पूछेंगे, आपको उनका जवाब देना है। हमारा नंबर 0112338703 आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नज़र आएगा। इस पर आपको कॉल करना है। चार विकल्प आपको दिए जाएंगे, उसका सही आपको जवाब देना है। और आज के जो पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ हैं मनीष कुमार जी, मनीष कुमार कुकरेजा जी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय खिलौना निर्माता संघ के। बहुत बहुत स्वागत है आपका किड्स टाइम में मनीष जी। धन्यवाद जी, थैंक यू। मनीष जी, आज का हमारा विषय है विज्ञान और कैसे बच्चों से उसकी दोस्ती कराई जाए। वर्चुअल टॉय फेयर भी शुरू हो गया है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं जो खेल खेल में विज्ञान से संबंधित बातें बच्चों को सिखाएंगे। खिलौने एक अच्छा जरिया हो सकते हैं विज्ञान को आसानी से समझाने में। जी यस मैम, अगर आप ध्यान दें तो जो DIY किट्स है, जिसे बोलते हैं डू इट योरसेल्फ किट्स, ये बेसिक एक हो जाता है, एक बेसिक खिलौना हो जाता है बच्चे के लिए, जिससे वो अपना साइंस और विज्ञान से जी आपकी आवाज मिल रही है, आप कहिए। हाँ जी, तो ये DIY किट्स जो है, ये सबसे पहले आप मार्केट में आपको देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे किट्स मिल जाते हैं आपको, जिससे बच्चों को साइंस के बारे में पता चल जाता है। जैसे एक छोटा सा विंडमिल बना सकते हैं आप। पुराने जमाने में हम लोग ऑपरेशन थिएटर करते थे, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स को आप टच करें तो गलत पार्ट टच करें तो लाइट जलती है। ऐसे काफी सारे किट्स अवेलेबल हैं और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है, जिससे खेल खेल में बच्चे विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीख सकता है। जी मनीष जी, आपके पास आएंगे और बच्चों से संबंधित हमारे पास सवाल भी हैं। और पहला सवाल जो आज बच्चों के लिए आ रहा है, वो हम सबसे पहले बच्चों से पूछ लेते हैं। क्विज जो है आज की, उसकी शुरुआत कर देते हैं। पहला सवाल जो है बच्चों आपके लिए ये है, महान वैज्ञानिक सर CV रमन को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके चार विकल्प हैं और पहला विकल्प है गणित, दूसरा अंतरिक्ष विज्ञान, तीसरा रसायन विज्ञान और चौथा है भौतिकी। इसमें से एक सही जवाब है, वही सही जवाब आपको हमें बताना है कॉल करके, जो टेलीफोन नंबर आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं कैसे बच्चे जुड़े हुए हैं विज्ञान से और क्या इस सवाल का उन्हें सही जवाब आता है या नहीं। तो क्या सही जवाब होगा इसका, इसका थोड़ी देर में हम जानेंगे जब कॉल आएंगे हमारे पास। और हमारे साथ मनीष कुकरेजा जी जुड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से विज्ञान से बच्चों की दोस्ती कराई जाए, मनीष कुकरेजा जी, और वर्चुअल टॉय फेयर की हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से खिलौने मदद कर सकते हैं बच्चों को विज्ञान से जुड़ने में। मनीष जी, अगर बात करें तो विज्ञान की जब बात आती है या गणित की बात आती है, आमतौर पर बहुत कठिन विषय इसे माना जाता है, लेकिन ये विषय अपने आप में इतने प्रैक्टिकल, इतने व्यवहारिक हैं कि छोटे छोटे जो है प्रयोगों से बच्चों को समझाया जा सकता है, खिलौने इसमें मदद कर सकते हैं। डेफिनेटली मैम, अगर आप देखें तो खिलौने, एक आप किसी भी बच्चों को देखेंगे और खिलौने के बारे में बात करेंगे तो उसके चेहरे में खुशी आ जाती है। और यही मुश्किल जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं मैथ्स एंड साइंस स्कूल में, अगर इसको खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए तो मेरे हिसाब से बच्चों का एक तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और वो जो डर बैठा रहता है ना, वो डर निकल जाएगा। और डर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर एक भावना आएगी, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, सोचने की भावना आती है। एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। ये किताबी पढ़ाई से अच्छा है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे। आज प्रधानमंत्री जी भी बात की थी इसके बारे में मन की बात में, एंड आई थिंक वो बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि बच्चे जो है वो
रटंत विद्या से आगे बढ़ें, प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ बढ़ें। और जो हमारी राष्ट्रीय नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे बच्चे जो हैं वो केवल किताबी ज्ञान पर आधारित ना हो उनकी पढ़ाई, बल्कि अपने आसपास के वातावरण से जुड़कर ही वो सीखें। और बार बार इसीलिए प्रधानमंत्री बच्चों से भी अपील करते हैं कि वो अपने भीतर वैज्ञानिक सोच को बढ़ाने की कोशिश करें। और शिक्षक और अभिभावक और हम कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं किड्स टाइम में। और अब आपको एक दिलचस्प कहानी बताते हैं, विज्ञान से जुड़कर आप तर्कों से जुड़ते हैं, सच को जानते हैं और दुनिया की सही तस्वीर आपके सामने आती है। यही नहीं, विज्ञान बच्चों के लिए रचनात्मकता के द्वार भी खोल सकता है। कैसे, आइए जानते हैं महाराष्ट्र के कुछ बच्चों की ये दिलचस्प कहानी। औरंगाबाद जिले के इन छात्रों ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के लिए न केवल दो लघु उपग्रहों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है, बल्कि इसरो की मदद से उन लघु उपग्रहों का प्रक्षेपण भी किया है। इन उपग्रहों को इसरो के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च पेलोड क्यूब्स चैलेंज 2021 के तहत बनाया गया था। विज्ञान में रुचि रखने वाले युवा छात्रों को आगे लाने के मकसद से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्पेस रिसर्च पेलोड क्यूब्स चैलेंज 2021 का आयोजन APJ कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन ने आयोजित किया था। औरंगाबाद नगर निगम स्कूलों के 10 छात्रों और जिला परिषद स्कूल के अन्य 5 छात्रों की टीम ने चुनौती के रूप में लघु उपग्रहों का निर्माण किया। सोनाली यादव, विशाल बहुल, गुलनाज सैयद, रानी चुपाड़े, नंदनी मोठे, प्रतिमा बास्के, साहिल किदारे, इरशाद शमशेर खान और रूपाली गायकवाड़ ने 2 महीने की मशक्कत के बाद लघु उपग्रह के निर्माण में सफलता पाई थी। हमें 7 फरवरी को हमारे स्कूल में बुलाया गया और हमें बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। 11 बजे से तो हम 2 बजे तक स्कूल में थे। हमारे सर ने बोले कि क्या हुआ अगर हम रामेश्वरम नहीं जा सके तो हम तुम्हें स्कूल में ही बताते हैं ऑनलाइन, जैसे तुमने जो बनाया है वो जब स्पेस में जा रहा है तो कैसा है हम तुम्हें बताएंगे। इसलिए हमें स्कूल में बताया गया और मुझे जब बहुत बहुत खुशी हुई थी कि उसमें मैंने भी भाग लिया है और मैंने उसे बनाया है और वो जब जा रहा तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही थी। इन छात्रों को विशेषज्ञों की मदद से विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था। बाद में इन छात्रों को जनवरी 2019 में पुणे स्थित एक कार्यशाला में भी भेजा गया। पुणे में इन छात्रों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ आवश्यक किट्स भी उपलब्ध कराए गए। प्रशिक्षण के जरिए छात्रों को उपग्रह को जोड़ने का प्राथमिक अनुभव मिला, जिससे ये सभी छात्र राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर पाए। ये पहल थी न्यूनतम 25 ग्राम और अधिकतम 80 ग्राम वजन वाले 100 उपग्रहों का निर्माण कर उन्हें 35,000 से 38,000 मीटर की ऊंचाई पर वैज्ञानिक गुब्बारे से लॉन्च करने की। ये उपग्रह प्रक्षेपण के बाद वास्तविक वायुमंडलीय जानकारी भेजेंगे। इस प्रक्षेपण के जरिए ऊंचाई वाले वैज्ञानिक गुब्बारे में 100 लघु उपग्रहों को लॉन्च करने का एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया। इस मिशन का मकसद विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित पर काम करने के लिए युवा प्रतिभाओं की फौज तैयार करना है। तो औरंगाबाद के इन बच्चों ने साबित किया है कि कैसे कम संसाधनों में भी वो विज्ञान से जुड़ सकते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग कर सकते हैं और इनकी ये कामयाबी वाकई में बेमिसाल है। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चे विज्ञान से जुड़े, हमारे साथ मनीष कुकरेजा जुड़े हुए हैं, खिलौना निर्माता संघ के अध्यक्ष हैं। मनीष जी, आपने ये खबर देखी होगी, कहानी हमारी, कि किस तरीके से औरंगाबाद के बच्चों ने एक अच्छी और बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल की है। सवाल ये है कि जो बच्चे ग्रामीण इलाकों में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तकनीकी सुविधाएं नहीं हैं, वहाँ पे बच्चे कैसे वैज्ञानिक सोच को बढ़ाएं, विज्ञान से जुड़े कैसे किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक्चुअली जहाँ पे कहते हैं ना कि necessity is the mother of invention, जहाँ पे सुविधाएं नहीं होती हैं वहाँ पे बच्चे अपना तरीका खुद निकाल लेते हैं। ये विज्ञान की शायद ये बहुत बड़ी खासियत है। आप देखेंगे कि जैसे छोटे से औरंगाबाद में उन्होंने इतना अच्छा काम कर लिया है, ऐसे कहीं जगह है बड़ा इंडिया के अंदर जहाँ छोटे छोटे क्षेत्र में लोगों ने कहीं आगे डेवलपमेंट की हुई है जी। तो आई थिंक ये एक बार इनको फोकस किया जाए, इनको अगर एक्सपोजर मिले तो ऑटोमेटिकली जो कॉर्पोरेट है, जो गवर्नमेंट है, उनको सपोर्ट देगी। एंड आई थिंक क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अभी तक कह दिया है ऑन टॉय इंडस्ट्री एंड ऑन विज्ञान पे, मेरे हिसाब से इस पे अभी बढ़ावा मिलेगा। यानी आई थिंक खिलौना ही एक बेसिक जरिया है जहाँ से बच्चे विज्ञान के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं खूब छोटी उम्र में।
और बहुत खुशी के साथ। बिल्कुल। और इस बीच हमारी दूसरी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी जुड़ गई हैं, प्रिंसिपल डीपीएस साहिबाबाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर ज्योति गुप्ता हमारे कार्यक्रम किड्स टाइम में। डॉक्टर ज्योति गुप्ता, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चों के भीतर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए, विज्ञान से उन्हें जोड़ा जाए, तो अभी हमने सवाल मनीष जी से किया था कि गाँव में जो बच्चे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा तकनीकी सुविधा नहीं है, उन बच्चों को विज्ञान से कैसे जोड़ें। आप स्कूली बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अगर मैं आपसे बतौर शिक्षिका पूछना चाहूँ कि किस तरीके से एक शिक्षक का रोल होता है बच्चों के भीतर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में। शिक्षक का एक पूरी तरीके से सारा ही रोल है कि बच्चों का एक साइंटिफिक टेम्पर वो किस तरह से डेवलप करें। असल में हम लोग स्कूल्स में क्या कर लेते हैं कि बच्चों को कंटेंट के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं और कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते। तो जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं स्कूल के अंदर, उनको बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ ले जाना चाहिए, ताकि जो भी बच्चे सीखें वो अपने हाथों से करके सीखें, और एक जो उनके अपने 5 senses हैं उनको इस्तेमाल करके वो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सीखें। एक दफा कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को समझ में आ जाएगा तो उसको अप्लाई करना, उसका फॉर्मूला डिराइव करना, उसके प्रिंसिपल्स डिराइव करना, वो बच्चों के लिए आसान हो जाएगा, वो हमेशा के लिए बच्चे को याद भी रहेगा और वो उसको अप्लाई भी कर पाएगा। जी। तो एक रोट मेमोराइजेशन, एक क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा कर सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो नहीं सिखाए जा सकते। तो साइंस के लिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे खुद से एक्सपीरियंस भी करें और खुद से एक्सपेरिमेंट भी करें। जी। अभी जैसे मनीष जी ने बताया टॉय फेयर, तो हमारा स्कूल भी डीपीएस साहिबाबाद भी टॉय फेयर में पार्टिसिपेट कर रहा है बतौर एग्जिबिटर के। तो हम लोगों ने जितने भी हमारे इंडिजिनस टॉयज हैं उनको हमने साइंस से जोड़ा, जैसे लट्टू है जी। या उसके साथ डायरेक्शन और रोटेशन का कॉन्सेप्ट जोड़ा, पतंग है उसके साथ हमने एरोडायनामिक्स को जोड़ा जी। या जैसे गुलेल जी, है जी। ज्योति जी, ज्योति जी, मैं जी। आपको रोकना चाह रही हूँ क्योंकि हमारे पास एक कॉल आया है, हमने सवाल पूछा था जो अपना साइंस को इस पर उसका जवाब देने के लिए कॉल आया है। हमारे साथ सम्यक जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। सम्यक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या आपको सही जवाब पता है? हमने आपसे पूछा था कि महान वैज्ञानिक सीवी रमन को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? इसका जवाब पता है जी, बताएं। इसका जवाब भौतिकी है। भौतिकी, बिल्कुल सही जवाब है। और भौतिकी में किस, अगर पूछूं किस आविष्कार के लिए या किस खोज के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था, वो आपको पता है? लाइट के लिए रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सम्यक, बहुत आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और उसके साथ जो जुड़ी जानकारी थी वो भी आपने बिल्कुल सही दी है। सम्यक, आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7th में हूँ अभी। अच्छा, ये बताइए आपको विज्ञान विषय पसंद है? हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, तो क्या उसके बारे में कुछ आपको कठिनाई लगती है, कुछ चैलेंजिंग लगता है साइंस के बारे में? हाँ, साइंस में मेरे बायोलॉजी और फिजिक्स ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा, आपको प्रॉब्लम होती है। तो सम्यक, आपने जो है जवाब बिल्कुल सही दिया है, और हम कोशिश करेंगे कि आप जो है साइंस में आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप हो, बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सम्यक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर ज्योति, आप बता रही थी कि कैसे बच्चों के अंदर हम एक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें, तो जैसा कि सम्यक ने कहा कि उसे कठिन लगता है, कई बार जो भाषा होती है वो बड़ा रोल प्ले करती है, विज्ञान की भाषा कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी कठिन लगती है, क्या उसे सरल बनाना बहुत ज़रूरी है? भाषा को सरल बनाना भी ज़रूरी है, इसीलिए मदर टंग में पढ़ना और पढ़ाना भी ज़रूरी है। जो भाषा बच्चे को समझ में आए उसी भाषा में बच्चे को पढ़ना चाहिए, ताकि जो उसको हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने पहले कहा, बच्चों को कठिनाई क्यों होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे का बेस जो है वो वीक रह गया है, और वो रोट लर्निंग से बच्चे को रटाया गया है,
बच्चे ने अपने आप उसको एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करके सीखा नहीं है। अब जैसे सम्यक कह रहा था कि उसको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, अब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं जी। अब हमारे आसपास इतनी केमिस्ट्री है, हम चाहे वो अपना किचन देखें या वो हम अपनी दवाइयां देखें या हम कुछ भी देखें, उसमें इतनी केमिस्ट्री है और हमारे आसपास इतने कंपाउंड्स एटम्स सब कुछ मेटल सब कुछ है। तो जब बच्चे इसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ के देखते हैं और उनको ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं, तो उनके लिए फिर वो डिफिकल्ट नहीं रह जाता। अब देखिए जो भी लर्निंग आउटकम्स हैं जो एनसीईआरटी ने या सीबीएसई ने दिए हुए हैं वो सारे के सारे लर्निंग आउटकम्स एज अप्रोप्रिएट हैं। जो सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं वो भी एज अप्रोप्रिएट है। तो ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चे सीख जाते हैं कुछ बच्चे सीख नहीं पाते उसको? उसके लिए वहीं पे बच्चों को असेस करके और वापस से वो कॉन्सेप्ट समझाया जाना चाहिए ताकि वो कभी भी आगे जाके ये ना कहें कि ये सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं लगता, रुचि नहीं है या हमें समझ में नहीं आता। रुचि इसीलिए नहीं रहती क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आता। तो सरल शब्दों में सरल भाषा में एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। और इस बीच हमारी क्विज का दूसरा सवाल भी बच्चों के सामने आ रहा है। पहले सवाल का सम्यक ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और दूसरा सवाल जो है वो आपके सामने ये आ रहा है बच्चों कि इनमें से किस ग्रह के आसपास रिंग या वलय नहीं पाए जाते, किस प्लैनेट के आसपास आप रिंग या वलय नहीं पाएंगे। आपके ऑप्शंस इस तरीके से हैं, विकल्प आपके सामने आ रहे हैं, ए शनि यानी सैटर्न, बी यूरेनस, सी मंगल यानी मार्स और डी है नेपच्यून। इसमें से एक सही जवाब है जिसके आसपास वलय या रिंग नहीं पाए जाते हमारे यूनिवर्स में, जो ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह ऐसा है इन विकल्पों में से जिसके आसपास वलय नहीं है। आपको सही जवाब देना है उसका और हमें इंतज़ार है आपके कॉल का। मनीष जी आपके पास आना चाहेंगे। तकनीक ने बहुत ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ गई है और बच्चों को उससे जोड़ा भी जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आसपास के एनवायरनमेंट से वातावरण से बच्चे जो कट गए हैं कहीं ना कहीं उसने भी सही तरीके से विज्ञान से जुड़ने में रोक डाली है, रुकावट डाली है। यस मैम, वैसे जैसे डॉक्टर ज्योति ने भी कहा कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली आप जैसे आपको कुछ अगर जैसे आपको बता देता हूँ, जैसे पोटेटो से लाइट एक एक्सपेरिमेंट जिससे आप लाइट बल्ब चालू कर सकते हैं, उसका साइंस क्या है पीछे? जब आप पोटेटो पे आते हैं तो आप उनकी फार्मिंग पे जा सकते हैं, फार्मिंग में आप ड्रिप इरिगेशन के ऊपर कैसे कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन में आप ये देख लीजिए मिडिल ईस्ट में जहाँ पे बारिश नहीं पड़ती है उन्होंने ड्रिप इरिगेशन से इतना अच्छा काम कर दिया है कि वहाँ पे हरियाली आ गई है। आई थिंक अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जैसे अभी जो नया एडुकेशन पॉलिसी आई है अगर वो उसी राइट डायरेक्शन में है तो मेरे हिसाब से बच्चे वातावरण से भी जुड़ेंगे, एनवायरनमेंट से भी जुड़ेंगे और एनवायरनमेंट के साथ जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है वो उससे जुड़ के उसका मेरे हिसाब से शायद हल भी निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं आजकल जो रिसाइकलिंग में ज्यादा जोर दे रही है। सो आई थिंक दैट विल बी अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आना चाहेंगे। हमने जो वैज्ञानिक खोजें की हैं, हमारे वैज्ञानिकों को जितने पुरस्कार मिले हैं चाहे नोबेल पुरस्कार हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जो अवार्ड्स मिले हैं वो उन्हें तब मिले थे जब इतनी तकनीक भी नहीं थी। मैं बार बार तकनीक की बात इसलिए कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आजकल विकल्प बहुत ज़्यादा मौजूद हैं बच्चों के सामने और ख़ुद से गूगल है उनके पास, इंटरनेट है, शायद कहीं ना कहीं ज्ञान के प्रति जो एक प्यास है वो इतनी ज़्यादा तकनीक ने उन्हें दे दी है कि वो नई खोजों की तरफ नहीं जा रहे हैं। मैम ऐसा है कि अभी तक जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी, जैसे मैम ने भी कहा, ज्योति मैम ने भी कहा, डॉक्टर ज्योति ने कहा कि हम लोग मार्क्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे थे। आई थिंक ये एजुकेशन पॉलिसी जब वो पैराडाइम शिफ्ट लाएगी कि हमें मार्क्स को नहीं, हमें एक्सपीरियंशियल करना है, हमें बच्चों को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग उनकी सोच बढ़ानी है, जब वो सोच बढ़ेगी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे अपने आप उनके अंदर एक प्यास जगेगी कुछ नया करने की। आपने आई थिंक वो पिक्चर देखी होगी 3 इडियट्स, उसमें भी वही बात कर रहा है कि यहाँ पे कुछ नया कर ही नहीं रहा है कोई। जी जी, आई थिंक दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज द नीड ऑफ द ईयर। हमें उसी तरफ जाना है एंड इसपे क्या हो जाता है, जैसे आपके खिलौने हैं,
आप खिलौने के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे बच्चों को बिल्डिंग ब्लॉक्स दें, बोले आप इसमें एक बिल्डिंग बनाइए, लेकिन बच्चे कभी गाड़ियां भी बनाते हैं, कभी हवाई जहाज भी बनाते हैं। आप उन्हें कलर पेंसिल्स दे दें, बोले ड्रॉइंग करना है, दे कैन डू एनीथिंग। सो आई थिंक ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग से जो बच्चे का जो दिमाग खुलता है, जो उनके एंड वी शुड एनकरेज दैट। बिल्कुल, एज पेरेंट्स एज एजुकेटर्स वी शुड एनकरेज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। भले आप फेल हो जाएं इन एन अटेम्प्ट, नॉट इन अ सब्जेक्ट, इन एन अटेम्प्ट, आपने कुछ ट्राई किया नहीं, आप फेल हो गए, नो इश्यूज। एडिसन 10,000 बार फेल हुआ था, तब जाके लाइट बल्ब बना। जी 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 डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, डॉक्टर ज्योति जी, मनीष जी, डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी के पास हम जाना चाहेंगे। जैसा कि मनीष जी ने कहा, मार्क्स की बात की, अभिभावकों की तरफ से भी दबाव होता है बच्चों की तरफ कि ज़्यादा मार्क्स लेकर आएं। विज्ञान कहता है कि आप प्रयोग कीजिए, असफल भी होंगे तब भी आप अपनी असफलता से सीखेंगे। तो ये जो मार्क्स का दबाव है, कहीं ना कहीं वो भी बच्चों को रोक रहा है कि वो साइंस जैसे विषयों में न केवल सीखें बल्कि कैसे शोध में, रिसर्च में आगे बढ़ें। वो उसमें कहीं ना कहीं ये मार्क्स का जो प्रेशर है वो रुकावट डाल रहा है। मार्क्स का प्रेशर रुकावट भी डालता है, और सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे पढ़ाई करना वो एक बच्चे के लिए बहुत डेट्रिमेंटल भी होती है। पढ़ाई करनी चाहिए जॉयफुल लर्निंग के लिए, मतलब देयर शुड बी जॉय इन आवर लर्निंग। और जब तक हमें खुशी नहीं होगी, हमारे आहा मोमेंट्स नहीं आएंगे। और आहा मोमेंट्स कैसे आएंगे, जब हम कुछ नया क्रिएट करेंगे, जब हम कुछ नया इनोवेट करेंगे। जब भी हमें कुछ नई चीज की, नए ज्ञान की प्राप्ति होगी, चाहे वो छोटे बच्चे हैं चाहे हमारी उम्र के लोग हैं, जब भी हमें कुछ नया पता चलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। और हमें खुशी होती है कि हमें एक नई जानकारी मिली है, चाहे वो एक नई रेसिपी ही क्यों ना हो। तो बच्चे जब नया ज्ञान पाते हैं, जब क्रिएट करते हैं, जब इनोवेट करते हैं और उसको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ते हैं, तो एक उनकी लर्निंग होती है। तो हमें मार्क्स से हर चीज की तुलना नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो नई शिक्षा नीति है वो भी इस चीज की बात करती है कि हम बच्चे का एक होलिस्टिक रिपोर्ट जो है वो बनाएं, और वो शुरू से लेके आखिर तक, मतलब प्री नर्सरी से लेके 12th तक, हम ये देखें कि बच्चा क्या शोध करता है, क्या वो क्या नवाचार करता है, क्या इनोवेट करता है, किस तरीके से उसको रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ के। जी जी, और जो जी डॉक्टर ज्योति गुप्ता, बिल्कुल इनोवेशन की हम बात कर रहे हैं, नवाचार की बात कर रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ एक बच्चा भी जुड़ गया है, इलाहाबाद से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, बताइए कि आपको सही जवाब पता है। हेलो जी जी, बताएं, आपकी आवाज मिल रही है, सही जवाब आपको पता है? यस मैम, इसमें शनि होगा। शनि, हमने आपसे पूछा है कि किस ग्रह के आसपास रिंग या वलय नहीं पाए जाते हैं? यस मैम। नहीं, शनि तो सही जवाब नहीं है। आपका नाम बताइए। आशुतोष कुमार मिश्रा। आशुतोष, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जब हम ईश्वर 11th में हैं। अच्छा, तो आशुतोष ये बताइए कि यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, स्पेस के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, कैसे जानते हैं उसके बारे में? यस मैम। जी आशुतोष, आपका सवाल जो है उसका ये जवाब सही नहीं है। हम इंतजार करते हैं कि कुछ और सही जवाब आए। आशुतोष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर ज्योति, आपके पास लौटेंगे। जी, तो मैं बात कर रही थी इनोवेशन की, नवाचार की, और बच्चों के क्रिएट करने की, और आहा मोमेंट्स की। तो जब तक कि बच्चा जो कुछ भी पढ़ रहा है उसको वो रियल लाइफ सिचुएशन के साथ नहीं जोड़ेगा और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताएगा, तब तक वो सीखेगा नहीं। जी, और जब तक वो सीखेगा नहीं तब तक उसकी लर्निंग पूरी नहीं होगी। तो एक जो नई शिक्षा नीति में बात हो रही है कि बच्चों की प्रोग्रेस को शुरू से लेके आखिर तक ट्रैक करना है, और न सिर्फ उसमें मार्क्स होने चाहिए बट उसमें इनोवेशन, क्या वो बच्चा अपने आसपास से सीख रहा है, क्या वैल्यूज उसकी हो रही हैं, क्या उसकी लाइफ स्किल्स हो रही हैं, क्या उसमें स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज बन रही हैं और उसको हम असेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या बच्चा प्रेजेंट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, वो क्रिटिकली सोच सकता है, प्रॉब्लम जो भी दो उसको सॉल्व कर सकता है। डॉक्टर ज्योति, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, देख लेते हैं उन्हें सही जवाब पता है कि नहीं। जी बताए। हाँ, एक दो
सही जवाब आपको पता है इनमें से कौन से ग्रह के आसपास वलय नहीं पाए जाते, रिंग नहीं पाए जाते हैं? हेलो जी, अपना नाम बताएं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? अभिनव। अभिनव, आपको सही जवाब पता है इसका? हाँ। क्या सही जवाब है? सी, मंगल। मंगल जी, बिल्कुल सही जवाब आपने अभिनव दिया है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ में। फोर्थ में, और आपको स्पेस यूनिवर्स के बारे में जानना पसंद है? हाँ। तो कैसे जानते हैं उसके बारे में? हमारे स्कूल में बुक फेयर आते हैं, तो हम बुक फेयर में हम जितने भी बुक्स होती है तो उसमें अंतरिक्ष वाला बुक लेता हूँ मैं। ओ, आपको अंतरिक्ष पर आधारित किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका अभिनव हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर ज्योति, अभिनव ने जैसा इशारा किया है, जैसे पढ़ेंगे वैसे बढ़ेंगे, तो विज्ञान, अंतरिक्ष, इन पर आधारित बच्चों से जुड़ी हुई किताबें ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी तो बच्चे बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास वक्त कम है, विषय बहुत दिलचस्प है, उम्मीद करते हैं कि इस पर आगे भी संवाद होगा। आप दोनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, डॉक्टर ज्योति गुप्ता और मनीष कुकरेजा जी। विज्ञान के विषय से बच्चे कैसे जुड़े, कैसे उससे दोस्ती करें, उस पर आप दोनों ने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बच्चों, आज किड्स टाइम में बस इतना ही, लेकिन आप बच्चों से जुड़े ऐसे ही कुछ खास और दिलचस्प विषयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।